मेरा कभी खासा मूड ठीक ना हो ना तो मैं थोड़ा समय जानवरों के साथ व्यतीत कर लेता हूँ। एक तो वैसे ही उससे तनाव कम हो जाता है, दूसरा इनसे सीखने को बहुत मिलता है। मैं आपको अहिल्या की कहानी बताता हूँ, आपको लगेगा कि जैसे मीना कुमारी की कोई ट्रेजेडी फिल्म हो। एक तो सबसे पहले जब बेचारी ये पैदा हुई तो इसको पैदा होते ही माँ से अलग कर दिया गया। उसके बाद जब इसके बच्चे हुए उन बच्चों को इससे अलग कर दिया गया। तीसरा जब इसने दूध देना कम कर दिया इसको सड़क पे छोड़ दिया गया। चौथा सड़क पे आते ही इसका एक्सीडेंट हो गया। पांचवा एक्सीडेंट के बाद बेचारी जिस गौसदन में गई वहां पे इसकी इतनी बेकदरी हुई कि इसका पैर सड़ के गिर गया। जब यहां आई तो हमें फिर इसका पैर काटना पड़ा इसकी जान बचाने के लिए। अब जब उस सर्जरी से बिल्कुल ठीक हो गई, इसने तीन पैर पर रहना सीख लिया, तो इसका कल मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। इनकी 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो 6.5 महीने में प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई, पर इसके चेहरे पे शिकन तक नहीं है आज। आज ये खाना पीना भी इसका ठीक है। क्यों? क्योंकि जो दुख इनको होता है ना उसको ये झेल के उसी समय खत्म करते हैं। हम लोगों की तरह नहीं कि एक दुखद घटना को हजार बार सोच के हजार बार ही दुखी है। और ये मैंने अहिल्या से सीखा है।